मसला इशू नहीं है, ठीक है, चेक करी के नुकसान ठीक लगेगी या तो तू ही लेने बनेगी रहनी है। अगर ये गिल्टी बदनी है या गिल्टी फाइल बनना वो ज़्यादा लंबा अरसा लग रहे हैं पेशा महसूस करने के बाहर वो ज़्यादा सजिल भी चेक करेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, लखां करोड़ां दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुनिया हाल पर। मौजूद नाज़रीन से तकरीब अपना यूट्यूब चैनल धानी भाई व्लॉग तो मैं दुनिया हाल उम्मीद करना कि सारे भैन भरा ठीक हो सो खुश हो सो नाल वाल हो सो तो जी अपनी जिंदगी बड़ी आसन जे तरीके गुजारने हो सो। सब तो पहले सो सारे भैन भरा बेहद शुक्रिया जरा कीमती टाइम कड़ने हो तो माड़ी वीडियो तकनी हो अल्लाह पाक सो सारे की खुश रखन आबाद रखन तो अपने दो ईमान रख। तो जितने भैन भरा चैनल पर नए हो चैनल की लाइक करो सब्सक्राइब करो तो नाल शेयर भी कर छोड़ो। जैसा कि तकनी आज ना मौसम माशाल्लाह कल बारिश बारिश हुई अब फिर प्रोग्राम बनाया वह सुबह टाइम थोड़ी लथी है तो इसलिए शदीद किस्म ने काले काले बदल तकी व्यू आप तकी सकने कि बहुत ही प्यारा बनता वाज यह कि धुप कोनी है तो गर्मी जी शिदत वो बिल्कुल कम हो गई है भैन ठंडी ठंडी तो मीठी मीठी आवाज चुली रही है ओवरऑल यही व्यू आज झूले हैं। सब तो पहले ये गढ़ इधर तक होता है सारा महला खूबसूरत जहाँ तो झूले हैं। सब तो पहले जमान चौक तो फिर तकने अगले सीन क्या बनते पे पर बारिश चढ़ी होनी है अल्लाह ताला ने रहमत होनी है लेकिन ये जो दो महीने गए इन बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने रहमत आई है तो हर तरफ भैन भरो तकी सकन की वजह सब्जा ही सब्जा हो गया हूँ झूला है। सब तो पहले जमान चौक झूले अगले सीन तकने फिर क्या बनने वाह करो कि अल्लाह ताला फलस्तीन की आज़ादी नियमत नवाजन तो जितने फलस्तीन ने भैन भरा जितनी भी मुश्किल जी अल्लाह पाक उन्होंने मुश्किल आसान कर भैन भरो घरों लिखते शमशान मोड़ा दरबार पे माशाल्लाह दरबार नजर नहीं ना ये शमशान मोड़े दरबार ने ग्रां शमशान मोड़े ला ये पापा कोई चीजा च है जाने पापा क्या आंदा ने चलो भैन भरा शूल मेला आई गया नियाज बोई नी चटनी पता उसी भैन भरा के कोई खाने उस क्योंकि मैं तो कदम ट्राई की है। चलो जुले तो मैं दसने अगली स्टोरी हूँ अगले क्या होना है इधरों तो आ गया much 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 later finally mane pro mane pro darbar ul likhte hain hun pochiye hain da takki sakne ho kutha mangla dam ne kinara mashallah jaisa ke takne ho mangla dam na isla bahut bade aate par pehna bro aaya thi sara area jitna bhi asa mangla dam jada ne isla dubai udya te pani bilkul itthe kino aaya da pochiye aa kol te rehna pya kuch chand ik foot hona usi hai mana jise ji andaaza aa kyunki zyada ta jada area hai na वो गया या डुबी तो मैं कि ना सारे भैन भरा भी शेयर करी छोड़ो बड़े दिन हो गए से मंगला डेम नहीं अपडेट आने से सारे दियो 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 तो आया था है मंगला डेम नहीं क्योंकि बन आया था जिता मैं खलता वहाँ तो ना लिया बुन पानी है जिता पोची है पानी है तो माशाल्लाह इस टाइम जरा नज़ारा हो तो बे हद प्यारा है इस वजह ठंडी ठंडी आवाज होगी कि ऐस पे पूरा ग्रां है सारा इसकी है जाना है आई थिंक रैपर काफ़ी देर होगी जरा ना फिरने तुरने तो बाद भैन भरा उस भरा हूँ पहुंची है कुछ पलाका पुल पर चेक करी सकने माशाल्लाह है तक नज़ारा है पलाका पुल ना अच्छ भैन भरा जो मंगला डेम ना पानी है दरा पुंछ आला तो मंगला डेम वाला सारा मिक्स हो भैन भरा फोन जुलिया सब पुन डेम तो इसलिए फुल होया वा बिल्कुल एंड लगा वा तक एंड लेवल जी अगर इधर तको तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा प्यारा नज़ारा व्यू इतना एक गल ही भैनों पर जब पलाका पुला पर छोड़ो तो साढ़ू हवा लगनी है ठंडी तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा जो एक व्यू हो जाना तो दूसरा नंबर ये हो जाना है कि मज़ा बड़ा अच्छा है भैनों पर मैं चेक करो जे अगर कोई तुम थला दसा तो ए चेक करो है चाचा और मौज मंडी ने इस वजह थला इतना खतरनाक दरिया था प्रो मछियां पौने पे भैन भरा मछियां पौना इतना बहुत खतरनाक है इस वजह हर साल इतना इतनिया जाना जाया होनी कुछ टाइम पहले भैन भरा इतना जाना जाया होनी लेकिन वो साहब हो कि चेक करी सकते
स्लिप है ना तुम ब्रो सीधा डेम दरिया भी दरिया इतना डूंगा है ना ये जितना कोई हिसाब नहीं किया जाना ओवरऑल भेन ब्रो व्यू शू बहुत ही प्यारा मजे ना आया पहला नज़ारा बहुत ही प्यारा है ए चेक करो हम जुले अस भी अपना सफर जुड़े ना दोबारा टडियाल का स्टार्ट करने फिर मजीद तुम्हें दसने की स्टोरी है क्या काफ़ी देर फिरी टूरी तो भैन भ्रो घर आई सी कॉमेंट मैं बड़ा दिलचस्प लगाया कॉमेंट मैं सारे भैन भ्रा ने पढ़ना है इन्हें सोचा कि पढ़ने नहीं मैं कई बार होना कि जवाब थोड़ा लेट हो जाना है बड़ा साढ़े एक भ्रा है ये जे के आजादी साहब आई थिंक वो है उन्हें आया भाई साहब तुम पैसा बहुत ज़्यादा आ तो मन जी गौर चाहिए उन्होंने घर वैसे भी जगह बहुत ज़्यादा है मशरा अलहमदुल्ला उधर तक ए दो मनिया थी हाँ भाई साहब गल इस तरीके नहीं है कि मैं गल भाई सी कि दो मनिया देसा तो एक मन के दसा क्योंकि दो मनिया दुध कौन देनिया ही हूँ तो इस वजह मन चेंज करी तो नवी मन के दसा पापा गल इस तरीके नहीं है वैसे भी यार तुम आखने पैसे बहुत ज्यादा पैसों तो मराद ये है कि भाई साहब इतना पाकिस्तानी रक्षा चलाने रक्षा की कमाई वैसे भी तुम्हें लगना जो ज्यादा ही है तो फिर तुम ये कम करो तुम साइज रक्षा चलाने तुसा भी साढ़े यार कमाई करी गई बहुत ज्यादा हूँ ही भेनों भ्रो जाइए अस्पताला अस्पताला मम्मी होना जुलिया हूँ क्योंकि उन्होंने सेहत दो त्रै दिन हो गए बहुत ज्यादा खराब ही है तो दवा करो कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत देन हूँ जुले हैं सब तो पहले डॉक्टर उन्होंने फिर मजेस हो अगले सीन दसने फाइनली भैनों तो पुछी आए हैं तो किसी ने चेंज ऑटोमैटिक करने बिल जी अस जिले चेकअप कराने नौ डॉक्टर ने बिल साहब को कराने अगर दो फेरे लाई दे हूँ अच्छ त्री है अच्छ पुछा कि डॉक्टर साहब कैब आने कि अगर रेफर करें मिर्पुर या पिंडी क्योंकि उनकी गले पर गिल्टी है गिल्टी नहीं वजह भैनों पर उन्होंने शदीद दर्द बुखार फीवर बहुत ज़्यादा कम खराब हो चेक करी जिसकी वजह उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं अब पूछने डॉक्टर साहब को अगर हो ही सके मीरपुर या पिंडी रेफर करने के पिंडी लगे जाने या मीरपुर लगे जाने मुझे उसमें डॉक्टर साहब गल कर डॉक्टर साहब इन्होंने मेन तो इशू है कि एक तो साड़ी फैमिली जी है आखनी है कि कैब तो चेकअप कराने या इन्होंने कौन कराने डॉक्टर साहब बेहतर ही है जे अगर थोड़ी बीमारी सामने लगनी ठीक है नहीं तो मीरपुर या पिंडी रेफर करी छोड़ो उधर असं कहीं मसला इशू नहीं है चेक करी क्यों तुम ना जी फैमिली है साड़ी डॉक्टर साहब उसे पता है ना घबराई जाने सारे ना अस खुद घबराए हुए क्योंकि फीवर इतना ज्यादा है कल भी तुम तू लाओ ऐसा दो डॉक्टर की डॉक्टर साहब की चेक कराया है ओ भाई और अपना वेम लाना सा डॉक्टर साहब की चेक कराई तो दवाइया तुम जारी रखी तो मैं अच मैं फिर एक बार टेस्ट वगैरह कराई फर्क तो थे लेकिन असल इन्हें की गिल्टी है ना जी रीढ़ नहीं हड्डी नहीं उसकी बहुत दर्द जी बुखार जी जी अख बहुत ज्यादा सुते रहने पक्के बहुत ज्यादा है सोजिश अच्छा गले बिच अपने पिछे गिल्टी भी है जी खराब होना रेशा पे जाना पूरी एब्सेस जी है बेसिकली पूरा लम बनी जाना बड़ा तेज बुखार होना इस नाल और बंदा काफी सिक हो जाना उसने फाइनली भेड़ा तो भरा चेकअप कराने तो बाद होना ही है ताकि सब में डॉक्टर साहब ने ऐसा स्पेशल रूम के दिया था ऐसा स्पेशल रूम है लेटाओ क्योंकि मरीज इतने ज्यादा है इसलिए कोई साहब है नहीं क्योंकि इन्हें क्या इन्फेक्शन होया था मजीद मरीजा ना लिटा सा मजीद इन्फेक्शन हो जैसे टेस्ट वगैरह नॉलेज लगी गए भैनों भरा हूँ टेस्ट हो सी पता लग सी है क्या क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गले सोजिश जी बहुत ज्यादा हो गया यकीन करो अस आपू परेशान हुए क्योंकि गले सोजिश नहीं वजह तिना बुखार इन्हें जो होया वा या कोई हिसाब नहीं दो चक्कर इन्हें डॉक्टर साहब को लाई रहा दो त्रै चक्कर दो डॉक्टर उन्होंने को चक्कर लाए गए लेकिन बीमारी सही समझ नहीं सी लगनी मैं कहता फिर कि कोई टेस्ट वगैरह करा या सारा किते लेकिन अक्सर ये लोग सोच रहे कि वो जी कई चीज़ा होनी जी असं यूट्यूब पर दसने कुछ चीज़ा असं यूट्यूब पर ना भी दसने लेकिन कई बंदे सोच रहे कि क्या पता बीमार है चेकअप नहीं कराने या किस तरीके अलहमदुल्लाह ऐसी कोई गल नहीं है चेकअप कराने पे त्रै चार दिन हो गए लेकिन ये होना है कि कुछ चीज़ा असं ना दसने होने
ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਜਲਦੀ ਆਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਈ ਗਈਆਂ ਜਲਦੀ ਆਈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਇਤਨਾ ਆਊਟ ਆਫ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਵੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਥੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਦ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਤਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਭੈਣਾ ਭਰਾ, ਅਗਰ ਮਾਂ ਸਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪਰ ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਹੀ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੰਨਤ ਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਪਰ ਵੀ, ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਅਸਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕਿ ਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸਲੇ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀ 3-4 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਗਿਲਤੀ ਵਧਣੀ ਹੈ ਜੇ ਗਿਲਤੀ ਫਾਈਲ ਵਧਣਾ ਉਸ ਦਾ ਦਰ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਤੱਕ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਐਫ ਐਮ ਐਸ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜੇ ਮਵਾਦ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਲ ਕਰੇ, ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਸਨ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਨਾ ਆਰਾਮ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮੇਡਪਰ ਜਾਣਾ ਕਰਾਸੋ ਨਾ ਟੈਸਟ ਨਾ ਮੇਡਪਰ ਵੀ ਕਰਾਓ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕਰਾਉਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੁਛ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਰਜਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਸਕਨੇ ਹੋ, ਸਰਜਨ ਨੇ ਮਤਲਬਾ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ ਅਗਰ ਇਸ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਾ ਪੇ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰਜਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਸਾਹਿਬ ਰੇਸ਼ੇ ਸਰਜਨ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਐਂਟਰੀ ਦਵਾਈ ਸੈਂਸ ਮਾਲ ਕਰੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਅਗਰ ਮਸਲ ਲੰਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਜਨ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ। ਹਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਤੱਕਣੇ ਉਸ ਟ੍ਰੀਫਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਟਿਪ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਰਿਪਾਂ ਤਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾ ਜੀ ਸੀ, ਜੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਤੱਕ ਨਾ ਪਈ ਸੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਦੇਣ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਨਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿਤੇ ਕਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਇਹ ਰਾਮ ਮਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸੰਗ ਲਾ ਰਾਏ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਟੈਸਟ ਹੁਣ ਡਿਪਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਵਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕੁਛ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ 4-5 ਘੰਟੇ ਡਾਕਟਰ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਲਾਤ ਦਾ ਬੰਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਹੁਣ ਜੁਲੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨਵਾਲਾ ਭੈਣ ਭਰਾ।